हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राव, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आप जानते हैं हमारे क्लिनिक में बहुत नाइल इम्प्लांट के पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट हमारे पास। और एक केस जो हम सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में करते हैं, वो फिनाइल फैट ग्राफ्टिंग, मतलब पेनिस में फैट बढ़ाने की, फैट डाल के उसकी गर्द बढ़ाने की सर्जरी। ये बहुत कॉमन है हमारे क्लिनिक में पेशेंट, हमारे पिनाइल इम्प्लांट की हुई भी पेशेंट और बाहर से भी जो पिनाइल इम्प्लांट उन्होंने बाहर से कराया वो भी हमारे पास फिनाइल की गर्द बढ़ाने के लिए आते हैं इम्प्लांट के बाद। इम्प्लांट के बाद पेनिस की गर्थ बढ़ाने का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि एक आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, उसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल लेयर आप फैट की डाल सकते हैं हमेशा। बहुत सेफ सर्जरी है, लेकिन पिनाइल इम्प्लांट को किए हुए कम से कम 3 से 6 महीने हो जाने चाहिए, तभी हम फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसको मैंने देखा, कुछ लोग कहते हैं कि साथ में आप गर्थ भी बढ़ा दो, लेंथ भी बढ़ा दो। कभी भी पिनाइल इम्प्लांट के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। अगर कोई सर्जन भी करता है तो वो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिनाइल इम्प्लांट एक सैक्रोसेंट प्रोसीजर है, उसके साथ आपको किसी और प्रोसीजर को या सर्कमसीजन उसके साथ कर दो गलत है। आपको पिनाइल इम्प्लांट पहले करना चाहिए, जब वो सेटल हो जाए तभी आपको कोई प्रोसीजर करना चाहिए। तो अगर आप पिनाइल इम्प्लांट के बाद भी अपने पेनिस की गर्थ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग बहुत सेफ प्रोसीजर है, कोई टाका नहीं लगता किसी तरह का। पेट से फैट लिया आपने, पेनिस के चारों तरफ डाल दिया, किसी तरह का इंसिजन नहीं है, कोई आपको डर नहीं है। बहुत से मैंने देखा है कि पेशेंट ये भी कहते हैं कि डर्मल फैट ग्राफ्टिंग करेंगे। देखिए, डर्मल फैट ग्राफ्टिंग एक पुराना प्रोसीजर है, उसमें पूरा पेनिस खोलना पड़ता है, दुनिया भर के टाके लगते हैं, पेट पे निशान आता है, पेट में टाके लगते हैं और उसके रिजेक्शन के भी चांस होते हैं। अगर रिजेक्शन के चांस हो जाते हैं तो वो भी उसमें भी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी फैट तो एब्जॉर्ब हो जाता है, मैं इस पर कितने वीडियो बना चुका हूँ, कितने पेशेंट से रिव्यू दे चुका हूँ, फैट एब्जॉर्ब होता है। तो जितना फैट डालना है उससे ज़्यादा फैट डालिए ना, तो ऐसे डर्मल फैट भी एब्जॉर्ब होता है, ऐसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो भी एब्जॉर्ब होगा। कोई भी चीज़ डालेंगे उसका सिंपल प्रिंसिपल है। कोई लोग कहते हैं जी पेट अंदर खींच लेता है, कुछ अंदर खींच लेता है, कुछ खींचता बींचता नहीं है। हमने मान लो इतना फैट डाला तो ऊपर वाले फैट को भी ब्लड सप्लाई मिलेगी, नई ब्लड वेसल्स आएंगी, नसें आएंगी जो उसको ब्लड सप्लाई करेंगी, नीचे वाले को भी करेंगी। ये कॉर्पोरा के टच में, स्किन के टच में, दोनों तरफ ब्लड सप्लाई बनेगी। तो आपने सेक्स नहीं करना ताकि ब्लड सप्लाई बने। अगर आप विग्रसली सेक्स करेंगे एक महीने, शुरू के एक महीने, तो ब्लड वेसल्स में जो नई बनी होगी वो टूट जाएंगी। तो आपने सेक्स नहीं करना। धीरे धीरे जितने एरिया में ब्लड सप्लाई डेवलप हो जाएगी वो फैट पूरी जिंदगी रहेगा। तो क्या होता है, जब हम फैट डालते हैं तो ऊपर से ब्लड वेसल्स आने लगती है, नीचे से आने लगती है, बीच के एरिया में नहीं होता, फैट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी उसको खा जाती है, फैगोसाइट्स। तो जब हमने इतना डाला वो इतना रह जाएगा, लेकिन ये जिंदगी भर रहेगा। तो आपने मान लो इतना मोटा करना है तो आप इतना फैट डालिए ना, तो ये प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप ये नहीं सोच सकते कि आप बहुत ज्यादा डाल देंगे, वो उसमें इतना नहीं, आपने 30% ही ज्यादा डालना है। अब बात आई पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग के बाद, या पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग का इम्प्लांट के साथ क्या है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सर्जरी कराएं आप, अगले दिन छुट्टी हो जाती है, या अगर अर्ली मॉर्निंग सर्जरी कराएंगे तो शाम को छुट्टी कर सकते हैं, शाम को सर्जरी कराएंगे अर्ली मॉर्निंग छुट्टी कर सकते हैं। कोई बैंडेज नहीं होती, सर्जरी करा के फौरन आप घर जा सकते हैं, किसी तरह की बैंडेज आपको कराने की जरूरत नहीं होती, किसी तरह को आपको इसका बाद में पोस्ट ऑफ केयर नहीं होती, सिर्फ 5-6 दिन एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपको बाहर कहीं टाके कटवाने हैं, ये नहीं आपको कहीं बाहर कोई बैंडेज करानी है, ये नहीं कि आपको कोई निशान आएगा। तो एक बहुत बढ़िया सर्जरी है पिनाइल इम्प्लांट के बाद भी पिनाइल गर्थ को इंक्रीज कराने की। पिनाइल, बहुत से लोग पिनाइल लेंथ को भी इंक्रीज कराना चाहते हैं। पिनाइल लेंथ को इंक्रीज कराने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता पिनाइल इम्प्लांट के बाद, अनलेस एंड अनटिल आपके जो स्क्रोटम है, मतलब अंडकोश है, उसकी स्किन बहुत आगे तक पिनाइल इम्प्लांट पेनिस में ना आई हो, अदरवाइज लेंथनिंग का कोई फायदा नहीं होता। गर्थ आप आराम से आके बढ़वा सकते हैं। हम ये रेगुलरली अपने क्लिनिक में सर्जरी करते रहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हिंदुस्तान में हमारे पास है। तो अगर आप ये सर्जरी हमसे कराना चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, हमें कॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम वीडियो बनाते रहते हैं। होपफुली मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। ये सर्जरी हम गुड़गांव में करते हैं, लखनऊ में भी मैं दिन में महीने में एक बार जाता हूँ। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।